प्रदेश में निजी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा महतारी दुलार योजना का लाभ। राज्य सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। छत्तीसगढ़ से देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.5% से नीचे पहुंची। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर प्रदेश में रक्तदाताओं के सम्मान में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और आने वाले दो दिनों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं सरोज गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। श्री बघेल ने बताया कि निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी स्कूलों में बीते एक साल से पढ़ रहे बच्चे उसी निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ाई कर सकेंगे। राज्य सरकार इन बच्चों के स्कूल फीस का खर्च वहन करेगी। इसके अलावा योजना के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह और कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनके परिवार में कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है उन्हें इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा। बेसहारा बच्चे खुद या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जाँच के बाद जिला कलेक्टर द्वारा पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के दो जिले रायगढ़ और जशपुर के लिए 592 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले में 308 करोड़ रुपए और जशपुर जिले के लिए 283 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ और जशपुर जिले में कृषि के साथ साथ उद्यानिकी फसलों की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि रायगढ़ के जवाफूल चावल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता रहा। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई है। इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के 3.29% है और यह दर लगातार घट रही है। कोरोना के मामलों में दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर भी गिरावट आई है। देश में लगातार 32वें दिन कोविड से ठीक होने वालों की दर नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। बीते 24 घंटों में 1,19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं कल देश में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कल 3,921 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर 1.5% से नीचे आ गई है। कल 6 लोगों की मौत हुई जो अब तक दर्ज आंकड़ों में सबसे कम है। वर्तमान में 13,677 मरीजों का इलाज अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 459 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 45 मामले बस्तर जिले में मिले हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीमावर्ती राज्यों और नई दिल्ली में दोबारा बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। श्री बघेल ने कहा कि खास तौर पर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे बस्तर संभाग के जिलों में भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति में रोज सुधार हो रहा है। कल पहली बार संक्रमण दर 1.5% से नीचे आ गई है। अब रोज होने वाली मौतों की संख्या भी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। कल मात्र 6 लोगों की मृत्यु हुई। पहले और दूसरी लहर में प्रदेश को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। गांव से जाने चली गई, बड़ी मुश्किलें से हमने अपनी अर्थव्यवस्था बचाया। अब की बार कोरोना को कोई मौका नहीं देना है। विकास के नए दौर को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देना है। रायगढ़ और जसपुर दोनों सीमावर्ती जिले हैं। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है या नियंत्रण बनाए रखना है। पूरे प्रदेश में हम स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बना रहे हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष रूप से व्यवस्था की जा रही है। श्री बघेल ने लोगों से कहा है कि कोरोना से बचने के लिए टीका जरूर लगाएं और टीकाकरण को लेकर किसी भी तरह के भ्रम से बचें। इस बीच देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने के प्रति राज्य के युवा भी काफी जागरूक हैं। दुर्ग जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। भिलाई के एक टीकाकरण केंद्र में भी युवाओं की अधिक संख्या नजर आई। इन युवाओं ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाहों का ध्यान ना दें और कोविड वैक्सीन लगवाएं। टीकाकरण बहुत जरूरी है, हम सबको टीकाकरण करवाना चाहिए। कोई अफवाह को मानना नहीं चाहिए। ऐसा कोई खास सिम्टम ऐसा कुछ आता नहीं है, सब मतलब नॉर्मली रहता है, सब सही ही है। तो सबको टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि बीमारी पे काबू पा सके। मैं कोवैक्सीन का सेकंड डोज लगवाने आया था और टीकाकरण मेरे हिसाब से सबको कराना चाहिए। कोरोना की महामारी से उबार पाने के लिए ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ये ज़रूरी है इस महामारी से बचने के लिए। और जब तक हम खुद सेफ नहीं होंगे, हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि सेफ हो। तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि आप भी आए, टीका लगाए और दूसरों को भी बोलिए कि टीका लगाएं। मेरा पहला टीका 8 मई को लगा था, आज मैंने यहाँ पे सेकेंड डोज लगाने आया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बॉडी पेन होगा या कुछ होगा। अब कोविशील्ड में कभी कभी होता है, लेकिन कोवैक्सीन में ऐसा नहीं है। तो आप लोग गलत अफवाहें जो हैं उस पर भरोसा करके ऐसा मत करिए कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। आप ज़रूर आइए, लगाइए, बहुत ज़रूरी है ये। और अगर हमारी सरकार कुछ सोच के कर रही है तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। इसलिए ज़रूर आइए और अपना टीकाकरण करवाइए। वहीं राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान 32,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। आज विश्व रक्तदान दिवस है। हर वर्ष आज का दिन दुनिया में मानव जीवन को बचाने के लिए स्वैच्छिक और निशुल्क रक्तदान के लिए सामने आने वाले लोगों के महत्व को बताने का अवसर देता है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने वाले रक्तदाताओं का सम्मान करने के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। कवर्धा के वीर सावरकर भवन में नवजीवन सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संस्थान के सदस्यों द्वारा बीते 5 साल के दौरान रक्तदान कर 5,000 से अधिक मरीजों की जान बचाई गई है। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने रक्तदाताओं का सम्मान भी किया। श्री पांडे ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सेवा संस्थान को आज बधाई देना चाहता हूं। विगत 2016 से जिस प्रकार से सेवा का कार्य करते आ रहे हैं, कोविड काल में भी उन्होंने सब प्रकार से एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की।
इसी तरह कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं ने शिविर लगाकर रक्तदान किया। 84 बार रक्तदान करने वाले हरबीर सिंह होरा भी दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। आज रक्तदान दिवस है और मैं करीब 84 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मान्यता नहीं, शुरू से जब मैं 18 साल का हुआ मेरे पिताजी मेरे को ब्लड बैंक लेके गए थे और उन्होंने ही रक्तदान की शुरुआत कराई कि रक्त देते रहना अच्छी चीज है और तब से कंटिन्यू हर 3 महीने में रक्तदान करता हूँ मैं। कोरबा में रक्तदान की मदद से हर वर्ष करीब 3,500 मरीजों की जान बचाने में मदद मिलती है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। आगामी 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस समय प्रदेश के ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है, साथ ही पूरे प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है। इसके कारण आने वाले 2 दिनों के भीतर बस्तर और दुर्ग संभाग के साथ ही प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों के दौरान भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सरगुजा संभाग के तापमान में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वहीं राज्य में बारिश के मौसम में बाढ़ या अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खासतौर पर प्रदेश के तटीय इलाकों में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया में आपदा प्रबंधन की टीम ने झुमका बांध में आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया। रामानुज प्रताप सागर को झुमका बांध के नाम से जाना जाता है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहां लोगों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर आपदा प्रबंधन की टीम ने पानी में डूबने से बचाने की तैयारियों का अभ्यास किया। बांध स्थल पर अत्याधुनिक मोटर बोट, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था और लाइफ जैकेट के साथ ही अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डिप्टी कमांडेंट शेखर बोरणकर ने बताया कि जिले में जल से जुड़ी किसी भी प्रकार की दुर्घटना में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। जशपुर जिले के फरसाबहार क्षेत्र में दंतेल हाथी के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई है। फरसाबहार के जमुना गांव के पास एक दंतेल हाथी उत्पात मचा रहा है। इस हाथी ने कल गांव में 2 अलग अलग जगहों पर 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। वहीं जंगल कोना में भी हाथियों के हमले में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोग हाथी के आतंक से दहशत में हैं। वन विभाग जिला वन मंडल अधिकारी कृष्णा यादव ने बताया कि घटनास्थल पर टीम रवाना की गई है और गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। एक ही हाथी ने ये सारे घटना किए हैं और ये दंतेल हाथी है, लोनर है और ग्रुप से बिछड़ा हुआ होने के कारण ये थोड़ा आक्रामक हो गया है। सभी को आसपास के सभी ग्रामों में हमने अलर्ट 4 टीमें बनाकर अलर्ट जारी किए हैं। कोई भी इस हाथी से आमना सामना ना करे। जो परिजनों को हमने दोनों परिवारों के परिजनों को 25,000 का तत्कालिक सहायता राशि प्रदाय किया गया है। बचत जो 5,75,000 की राशि है वो फॉर्मेलिटीज औपचारिकता PM रिपोर्ट वगैरह की औपचारिकता पूर्ण हो जाएगी तब उसको हम दे देंगे। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हाथियों की वजह से उन्हें अपने खेतों की रखवाली में भी मुश्किल आ रही है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निजी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगा महतारी दुलार योजना का लाभ। राज्य सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय कमी। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.5% से नीचे पहुंची। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर प्रदेश में रक्तदाताओं के सम्मान में आयोजित किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम।
और आने वाले दो दिनों के भीतर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।